मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग तगदा जो होम स्टे में रुके थे उधर से ऋषभ के लिए निकल रहे हैं। ऋषभ से पहले त्रिवेणी बोल के एक जगह है, उस जगह पे पहले हम लोग जाएंगे। ऋषभ में पहले से ही मैंने एक होम स्टे बुक करके रखा है। त्रिवेणी की तरफ जा रहा था कैंपिंग साइट पर, इधर से शायद दिखाई नहीं दे रहा, उधर पर टेंट वगैरह लगा हुआ है और मैं बीच में रुक गया क्योंकि व्यू इतना अच्छा है इधर से। ये तीस्ता रिवर है अगर आप देख पा रहे हो, और मैंने उधर गाड़ी रोक दिया। तीस्ता रिवर इधर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और ये जो रास्ता है, हम लोग इस रास्ते से आए, आके वहाँ पर एक ब्रिज था जो हम लोग ने क्रॉस किया और फिर रास्ते पे आए। ये रोड थोड़ा ख़राब है, मतलब अगर आपका गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, पर आ सकते हो अगर आप संभल के ड्राइव करो तो आप आ सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। अभी त्रिवेणी पहुंच चुका हूं मैं, इधर से आना पड़ता है, ये एंट्री है, एंट्री पॉइंट है, नहीं कुछ एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं लगता है। और ये पता नहीं, एक बहुत सुंदर बंगलो जैसा दिखाई दे रहा है, शायद ये, शायद आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। स्टे का पर खाली दिख रहा है मुझे, शायद कुछ होटल वगैरह या कुछ बनने वाला है। और ये रास्ता सीधा जाता है आपका जो त्रिवेणी पिकनिक स्पॉट है उस तरफ। ये जगह देख सकते हो बहुत शांत है और सुंदर है। ये सामने गेट है, इससे आप सीधा इस रास्ते से नीचे की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर मुझे जितना पता है रंगीत रिवर और तीस्ता रिवर, ये दोनों यहाँ पर आके मिल जाती है। और ये रास्ता मैं सीधा जा रहा हूँ, नीचे वो जहाँ पर कैंप साइट है उधर जा सकते हो। हाँ, नीचे इधर वगैरह आप कैंप वगैरह करके भी रह सकते हो। हाँ छेड़ दे। ये इस तरफ से तीस्ता रिवर, ये तीस्ता रिवर है, और वो वाला उधर से जो रिवर आ रहा है वो रंगीत है, और दोनों मिल जाती है इधर।
ये देखिए टेंट वगैरह करके रखा है, लियो अपने मज़े में घूम रहा है। यहाँ पर ऐसे कैंप करके रह सकते हो आप लोग? ये आपका ही कैंप टेंट है? अच्छा, आप थोड़ा मुझे बोल दीजिए तो जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा कि यहाँ आने के लिए कैंपिंग करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होता है। आपको क्या फैसिलिटी चाहिए बोलिए, क्या मतलब आप लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हो इधर? इधर मैं आपका जैसे कोई घूमने आया जिसको पता नहीं, जैसे ये जगह सबको पता नहीं है ये कौन सा जगह है, तो थोड़ा आप मुझे डिटेल्स में बताइए कि ये ऐसा जगह है यहाँ पर आके आप लोग रुक सकते हो एक दिन के लिए, ये कैंप वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिलता है, ये सब थोड़ा मुझे बता दीजिए तो जो देखेंगे उनको समझ में आएगा। एक्चुअली ये टीस्टा और रंगीत का रिवर का जो संगम है, अच्छा यहाँ पर कैंपिंग पॉइंट है, फिशिंग पॉइंट है, यहाँ पर अच्छा आके फिशिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल कैंप लेके यहाँ का लोकल गाइड लेके भी कर सकता है, अच्छा, या तो यहाँ से आप हायर में कैंपिंग टेंट हायर भी कर सकता हो, आप लोग सब अरेंज कर देते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें क्या आप खर्चा वगैरह आ जाता है आपका? जैसे हो गया आपका खर्चा तो ऐसे होता है आपका ग्रुप के ऊपर में होता है। अच्छा, जो आपने चॉइस किया जैसे ये दो जन का टेंट है, दो जन इसमें रह सकता है, तो क्या खर्चा पड़ता है? पकड़ लीजिए दो जन आए तो इधर जन्म दो जन के लिए आपको प्रोफाइल मिलेगा, ब्लैंकेट मिलेगा, सिरानी रजाई उजाई सब कुछ मिल जाएगा। रात के लिए इसका क्या कितना खर्चा है? 700 एक रात के लिए पड़ता है। और खाना वाना आप लोग अरेंज कर देते हो? खाना वाना के लिए एक्स्ट्रा लगेगा, खाना वाना के लिए एक्स्ट्रा लगेगा। और बारबेक्यू आप लोग बॉनफायर ये सब अरेंज कर देते हो? अच्छा, तो जैसे आपने सुना, अगर आप तो जैसे आप लोगों ने सुना यहाँ पर आप आ सकते हो, आके आप रुक भी सकते हो, तो सब तरीके से अरेंजमेंट इधर पर हो जाएगा। ये लोग खाने का भी अरेंजमेंट कर देते हैं और टेंट तो लगा ही हुआ है, तो टेंट तो आपको आप पर्सनल टेंट भी ला सकते हो, लोकल गाइड लेके आप लोग इधर पर कैंपिंग कर सकते हो और आप इधर पर एक रात के लिए रुक भी सकते हो। बहुत अच्छा जगह है। मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है, मुझे आज ऋषभ की तरफ जाना है और ऋषभ में ऑलरेडी मैंने होम स्टे बुक करके रखा है, तो मेरे पास कोई चांस नहीं आज, नहीं तो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आज इधर रुक जाता एक रात के लिए, क्योंकि रिवर साइड में कैंपिंग करना, टेंट लगा के एक नाइट स्टे करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता, और बहुत सुंदर जगह है। आपको आप लोग अगर दार्जिलिंग आ रहे हो तो प्लीज़ मैं तो बोलूँगा एक बार इस जगह को विज़िट करके जाइए, बहुत सुंदर जगह है।